स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। परंपरा के अनुसार 30 और 31 अगस्त को लोगों ने रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाया। गोंडवाना गोंड समाज द्वारा आयोजित विश्व आदिवासी दिवस एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए 84 लोग। संभाग स्तरीय क्रिकेट चयन प्रतियोगिता का आयोजन लालबाग मैदान में किया गया। खेल के क्षेत्र में सितारों की खोज, प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब खबरें विस्तार से। इस वर्ष रक्षाबंधन के पर्व को लेकर लोगों में संशय था कि आखिर इस पर्व को कब मनाना है। कुछ लोगों ने यह पर्व बुधवार 30 अगस्त को मनाया तो कुछ लोगों ने 31 अगस्त को यह पर्व मनाया। 30 अगस्त को भद्रा की वजह से 31 अगस्त को मनाए जाने की बात ज्योतिषियों द्वारा कही गई थी। रक्षाबंधन मात्र एक पर्व या त्योहार नहीं है, ये भाई बहन के अमर प्रेम का प्रतीक है। हमारे देश में श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाने की परंपरा है और इसी परंपरा के अनुसार 30 अगस्त को कई लोगों ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया। त्योहार हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इन्हीं के माध्यम से रिश्तों की गहराई महसूस की जाती है। रक्षाबंधन का पर्व बस्तर जिले में भी उत्साह पूर्वक मनाया गया। बुधवार को बहनों ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, कलाई पर रक्षा सूत्र बांधी, आरती उतार कर लंबी आयु की प्रार्थना की। इस मौके पर दूर रहने वाली बहनें भी भाई के पास पहुंचकर भाई की कलाई पर राखी बांधी। भाई बहन के पवित्र रिश्ता का यह त्योहार शहर भर में खुशी और श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रा आरंभ होने की बात ज्योतिषों द्वारा कही गई थी। कई बहनों ने इस समय के बाद रात को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी। आदिवासी समाज के द्वारा उद्योग व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पीला चावल व टीका लगाकर स्वागत सत्कार किया गया। मंत्री कवासी लखमा ने आदिवासी रीति रिवाज के पालन करते हुए पूजा पाठ किया। समाज प्रमुख के द्वारा आदिवासी गमछा पहनाकर सम्मान किया गया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी प्रकृति पूजक है, आदिवासी की देवी देवता जंगल में वास करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाने वाले आदिवासी लोग हैं। जल जंगल जमीन से प्रेम करने वाला आदिवासी होता है। हर समाज के लोग अपने अपने देवी देवता को पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हम सभी बूढ़ा देव को अपना इष्ट देव मानते हैं और पूजा करते हैं। आदिवासियों की सबसे अधिक संख्या बस्तर में निवास करती है। उन्होंने आगे कहा कि मणिपुर की घटना में हुए हिंसक झड़प से पूरा राज्य जल रहा है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। महिलाओं के साथ दुराचार, निर्वस्त्र घुमाना, सामूहिक बलात्कार जैसे गंभीर घटनाएं हुई, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार प्रसार में लगी रही, किंतु बस्तर के लोगों ने मणिपुर की घटना को लेकर अपना गुस्सा को जाहिर करते हुए बस्तर बंद का आह्वान किया गया। जगह जगह प्रदर्शन आंदोलन किया, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। इन सारी घटनाओं के जिम्मेदार कोई है तो वो है केंद्र की मोदी सरकार, वहाँ की राज्य की सरकार। आदिवासी के भोलेपन के कारण लोग उन्हें लूटने खसोलने में लगे हुए हैं। खासकर हिंदुस्तान में विश्व में सबसे ज्यादा रहते आदिवासी लोग बस्तर में। बस्तर में एक जमाना में ऐसा आया बस्तर का आदिवासी खत्म हो जाए। सलवाड़ी चला पुलिस तुम्हारी सी विधानसभा जीतने वाला रमन सिंह आदिवासी को आदिवासी लड़वाया, आदिवासी को मारकाट करवाया। आज हमारे कौन सा प्रदेश मणिपुर में हजारों आदिवासी लोग घर छोड़े हैं, हजारे आदिवासी लोग हमारा जान दिया है। वह सुरक्षा देने वाला कोई आदमी नहीं है। यह क्यों ऐसा होता है? मैं बस्तर का आदिवासी को मैं बधाई देता हूं। अगर मणिपुर घटना में अगर कई आवाज कोई उठाया
बस्तर के आदिवासी लोग आठ उठाए, बस्तर बंद करवाए। बस्तर संभाग क्रिकेट चयन प्रतियोगिता स्थानीय लालबाग मैदान में किया गया, जिसमें बस्तर संभाग के सातों जिलों से आए खिलाड़ियों का ट्रायल मैच किया गया। अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 जो केवल स्कूल के विद्यार्थी का ट्रायल शिविर है। इसमें चयनित खिलाड़ी 23वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि कोरबा में 10 सितंबर से 23 सितंबर को होना है, उसमें बस्तर संभाग का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज यहाँ पर संभाग स्तरीय क्रिकेट चयन प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें सातों जिला के स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 तीन एज ग्रुप में यहाँ पर ट्रायल देने आए हैं। इस तीनों एज ग्रुप में संभाग की टीम बनेगी और ये संभाग की जो टीम है ये 23वें राज्य स्तरीय खेल में भाग लेने के लिए कोरबा, जो कि 10 सितंबर से 13 सितंबर तक आयोजित है, वहाँ पर जाएगी। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है? सिलेक्शन कमेटी में अभय माने जी और अभिजीत तिवारी जी, मैं, सागर शर्मा और पंकज मूर्ति जी, एक कोंडागांव जिला के भी एक व्यायाम शिक्षक है वो, और एक नारायणपुर जिला के व्यायाम शिक्षक है वो, ये सब लोग भी यहाँ पर। जगदलपुर में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सितारों की खोज दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्वर्गीय फिलिप जोसेफ की स्मृति में प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम जगदलपुर में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला खिलाड़ी शामिल हुए। इस प्रतियोगिता में कुल 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री धर्मपाल सैनी थे, उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, अलग अलग श्रेणी में नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में अलग अलग आयु वर्ग की महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और प्रथम, द्वितीय, तृतीय आय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु जगदलपुर शहर एवं आसपास के ग्राम क्षेत्र के बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस प्रतियोगिता को सफल बनाने हेतु शिक्षा विभाग के व्यायाम शिक्षकों ने भी अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया और इस खेल प्रतियोगिता का सफल बनाया। साल 2019 नहीं कुछ चल रहा ठीक है, नहीं है सब लोग ठीक कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये आज इस तरह की सत्ता को दूषित है, इसलिए इस बात की बात है दौरे हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत कमजोर है। ये दिवस मुझे है कि आप इससे एक चहल कह रहे हैं, इसमें बालिका ने बहुत अच्छा खेल दिया है, दंतेवाड़ा की बीजी से लड़के आ गए। मुझे लगता है कि ये जो दिवस हमारे पुलिस का है कि इसके लिए एक बूम बन और खेल के बाद से सब जन जाहिर है खेल में सब लोग एक भावना वो टीम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व सांसद दीपक बैज ने नवनियुक्त प्रभारी महामंत्री संगठन एवं प्रशासन मलकीत सिंह गेंदू को पदभार ग्रहण करवाया। खड़के जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, हमारी प्रभारी महामंत्री दीपक बैज जी को पहले ही हमारी 12 की 12 सीटें हैं, हम सब मिलकर सारे लोग मिलकर हमें चाहेंगे कि पूरी 12 की 12 सीट पर फिर जो है बस्तर से हम जो है दे और हमारे जो छत्तीसगढ़ की सरकार भाजपा तो अपनी जगह पहले 5 साल से हमने देखा है भाजपा कहीं भी ग्राउंड पर नहीं, ग्राउंड पर नहीं होने के बाद कहीं भी हमारे सामने टिकेगी बस्तर में। बिल्कुल सत्ता और शासन दोनों को साथ लेकर चल रहा है, तालमेल के साथ हमको आगे चलना है, क्योंकि 3 महीने के बाद पहले चुनाव है, 3 महीने के बाद चुनाव में हम लोगों को सबको संगठित होकर चुनाव में लड़ना है। सत्ता और शासन का दोनों का तालमेल रहेगा तो हम आगे उसको बढ़ेंगे। जेल में बंद कैदियों को इस बार बहनों से मिलने की इजाजत नहीं। जेल प्रशासन ने 15 दिन पूर्व ही नोटिस चपका कर लोगों को दी जानकारी। जेल प्रशासन का कहना है कि आई फ्लू और कोविड को देखते हुए कैदियों को बाहरी लोगों से मिलने नहीं दिया जाएगा। रक्षाबंधन पर भाइयों से मिलने दूर दराज से बहनों का इंतजार रहा, परंतु जेल प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बार राखी पर मिलने नहीं दिया जाएगा।
भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन पर बहनों को अपने भाइयों से न मिलने की नाखुशी साफ जाहिर हो रही थी। लोग दूर दूर से अपने भाइयों की सुनी कलाइयों पर राखी बांधने पहुंचे थे। आपको बता दें, जेल प्रशासन द्वारा रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी पर जेल परिसर में संबंधियों को मिलने दिया जाता था, परंतु कोरोना काल के पश्चात यह सुविधा बंद कर दी गई है। परंतु वही रायपुर जेल प्रशासन ने भाइयों एवं बहनों को रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधने की सुविधा प्रदान की है। इस संबंध में केंद्रीय जेल उप अधीक्षक कुजूर ने मीडिया को बताया कि वर्तमान के आई फ्लू एवं कोरोना के मद्देनजर जेल के परिसर पर किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दी जा रही है। भाई से मिलने हैं। जी जी। राखी छोड़ के जा रहे हैं। जी जी। तो नहीं मालूम ऐसा निर्देश मिला है सरकार के द्वारा। नहीं थे कहते नहीं छोड़ जाते हैं। जी। राखी को छोड़ दीजिए। जी जी। सामान नहीं जाएगा। जी जी। कोरोना वायरस एवं संक्रमण एवं हाई फ्लू संक्रमण के कारण इस बार अंदर बंदियों की मुलाकात नहीं दी जा रही है। उनके परिजनों द्वारा राखी जमा करने की व्यवस्था की गई है। उनके परिवार द्वारा राखी जमा की जा रही है। जमा करने के बाद भी उसके बाद उसको सैनिटाइज करके बंदियों को वितरित किया जा रहा है। जी, ये प्रक्रिया सर, जानकारी विगत एक सप्ताह पहले कोर्ट चस्पा कर दी गई है। उनके परिवार जन आ रहे हैं, सभी से राखी ली जा रही है और बंदियों को प्रदान की जा रही है। बस्तर के महाराजा स्वर्गीय प्रवीण चंद भंसदेव की स्मृति में महाराजा कप नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ स्थानीय इंदिरा स्टेडियम में 25 अगस्त को किया गया। इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन 29 अगस्त को हुआ। इस प्रतियोगिता में 10 फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया था। 5 दिवसीय महाराजा कप फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम दिन फाइनल मुकाबला यंग स्टार क्लब एवं फुटबॉल अकादमी टीम के बीच खेला गया। फुटबॉल के फाइनल मैच में फुटबॉल अकादमी के खिलाड़ी कृणाल के द्वारा गोल दागकर अपनी टीम को एक गोल से विजयी बनाया और महाराजा कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि बस्तर महाराजा कमल चंद भंसदेव के द्वारा विजेता एवं उपविजेता टीम को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। साथ ही आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को भी मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया। ये जो कप आप देख रहे हैं, महाराजा प्रवीर चंद भंसदेव के नाम से रखा गया, जिसको महाराजा कप के नाम से हम लोगों ने, और साथ साथ हमारे साथ पूरे के पूरे टीम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। 12 टीमें थी, 12 टीमें नॉकआउट करने के बाद अभी 10 टीमों की टीम हुई, उसमें से नॉकआउट चलता रहा। उसके बाद आज एक फाइनल मैच चालू हुआ, क्योंकि 25 तारीख से चालू होकर आज के दिन समापन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज स्पोर्ट्स दिवस भी है। तो मुझे लगा कि आज के दिन स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन करना और साथ साथ युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक संकल्प लेना, सिर्फ IAS ऑफिसर बनना या IPS ऑफिसर बनना ही सपना नहीं होना चाहिए, एक अच्छा प्लेयर होना। हमारे बस्तर से एक अच्छा प्लेयर जाए, राष्ट्रीय प्लेयर निकले, चाहे वो सॉकर का निकले, फुटबॉल का निकले, और साथ साथ जितने भी ऐसी प्रतिभाएं हैं हम उसको ज़्यादा ज़्यादा उजागर करें, यही इसका मकसद था। और आज का मकसद ये है कि हम देख सकते हैं कि आज जो बदलाव हमें बस्तर में नज़र आ रहा है, एक एस्ट्रोटर्फ में बच्चे आज खेलने लग गए, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट अपने लिए है, क्योंकि आज हमारे बच्चे आज खेल रहे हैं और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में और पूरे के पूरे राष्ट्र में जाता है कि बस्तर में सिर्फ नक्सलवाद ही नहीं, स्पोर्ट्स से भी हम जोड़ा जा सकता है बस्तर को। और हमारे बच्चे इतना अच्छा खेल रहे हैं और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोत्साहन करें ताकि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी वो हमारे बस्तर का नाम रोशन कर सके। रक्षाबंधन की इस पावन पर्व पर जहाँ एक ओर बहनें अपने भाइयों से भाइयों को रक्षाबंधन बांधती है, वही दूसरी ओर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वन मंडल जगदलपुर की पहल पर वन समिति की महिलाएं वनों की सुरक्षा के लिए रक्षा सूत्र वृक्षों में बांध रही है। जगदलपुर के चांदनी चौक में पीपल के वृक्ष पर पेड़ों की सुरक्षा के संकल्प में के साथ बहने रक्षा सूत्र से बांधकर संदेश देने की कोशिश किए हैं कि हमें हर पेड़ों की सुरक्षा स्वयं को करना होगा। इस अवसर पर वन मंडल अधिकारी जगदलपुर उत्तम गुप्ता के साथ उपमंडल अधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं वन समितियों के सदस्य उपस्थित हुए। पहले पीपल के पेड़ पर पूजा अर्चना कर समितियों की बहनों द्वारा रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प लिया। वहीं दूसरी ओर जैव विविधता पार्क लामनी में रक्षा सूत्र पेड़ों पर बांधा गया और आने वाले सभी पार्क में घूमने वालों को संदेश दिया गया कि हम सभी को पेड़ बचाना है। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमारे पूरे बस्तर वन मंडल अंतर्गत हमारे जितने भी संयुक्त वन प्रबंधन समितियां हैं उनके माध्यम से जो है जंगलों में पेड़ों को जो है उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए वृक्ष रक्षा सूत्र बांधा गया है और एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी है
ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए जो है जीवन आसान हो सके। इसी तारतम्य में आज जो है जगदलपुर के संजय मार्केट के पास जो हमारा पुराना पीपल पेड़ है वहाँ पे एक विशाल काय हमने रक्षा सूत्र बांधा है, और यहाँ लामनी पार्क में भी जो है साल वृक्ष को हमने वृक्ष रक्षा सूत्र बांध कर पेड़ों की रक्षा करने का संदेश दिया है। कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किए कि महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नागरिक आपूर्ति निगम, कोऑपरेटिव के मजदूर और निर्माण विभाग के अकुशल श्रमिकों को इंश्योरेंस क्लेम दिलवाने के प्रयास करने की आवश्यकता बताई। बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत मरम्मत कार्य बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद, सांसद निधि, विधायक निधि, अन्य मदों से स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर जल्द पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। बैठक के उपरांत सहकार से समृद्धि योजना के एजेंडा और जल जीवन समिति की बैठक किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर हरीश मंडावी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।